तीन दिन तो इंतजार करेगा। मैं बहुत शार्प रिएक्शन लूंगा आपसे, वो टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे, उनसे वैक्सीनेशन की क्या उम्मीद करेंगे, और वैक्सीन है नहीं हमारे पास। हम तो कहेंगे टेस्टिंग का वेट ही नहीं करना चाहिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है अगर उसको तो आधे घंटे में टेस्ट आ जाता है। हम तो कह रहे हैं सिम्टम्स के बेसिस पे ही इस समय एनी फीवर इस कोरोना अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, तो हम तो टेस्ट का विश्वास नहीं करेंगे और टाइम भी नहीं है हमारे पास टेस्टिंग करने का। हम टेस्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा। जब आप कह रहे हैं हफ्ते में एक बार टेस्टिंग हो रही है तो वो भी रैपिड एंटीजन हो, चाहे वो आपकी आरटीपीसीआर हो, आरटीपीसीआर 48 घंटे में रिपोर्ट आएगी या 72 घंटे में रिपोर्ट आएगी। डोंट वेट फॉर टेस्ट, टेस्ट इज फिनिश्ड। वी हैव टू आर्मी की तरह काम करना है, सेना खड़ी है हमारी और हमारे पास दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, कभी भी हमारे पास चूक कर सकता है। इसमें हमको टेस्ट करके या दूरबीन से देखें कि सेना कितनी दूर है वो सब का टाइम नहीं है, द टाइम इज गॉन। वी हैव टू ट्रीट द सिम्टम्स। इस समय सिंपल दवाइयां ऑक्सीजन के लिए बहुत, देखिए अगर हम पहले दिन से इलाज करेंगे तो ऑक्सीजन तक पहुंचेंगे नहीं, कम से कम 80%, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कुछ लोगों को। तो अभी वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है 10,000 के आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एमपी लैड फंड इस्तेमाल क्यों नहीं करते। बड़ी सही बात बोली सर, बड़ी सही बात बोली सर। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, गांव में बहते शवों पर एनएचआरसी बेहद सख्त हो गया, केंद्र सरकार यूपी बिहार को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में एनएचआरसी ने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। एनएचआरसी ने अधिकारियों को बताया लापरवाह, गंगा में लाशों को बहाने से रोकने में असफल अधिकारी, एनएचआरसी ने कहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।